हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे देसी ट्रेवलर्स चैनल में। तो आज हम बात करेंगे केदारनाथ धाम की। आज हम सभी जानने की कोशिश करेंगे कि केदारनाथ जाते टाइम आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, आखिर कितना खर्चा होता है, कैसे जाएंगे, कहाँ रजिस्ट्रेशन करना होगा और क्या क्या पड़ाव आपके सामने आएंगे। तो इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो आप सही वीडियो में आए हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप आने वाली वीडियोस को मिस ना कर जाएं। इस वीडियो को हमने 7 भागों में बांटा है। पहला है हमारा कैसे जाएं, क्या क्या लेकर जाएं, क्या सही समय है जाने का, खर्चा, बजट एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट रहता है तो इसमें हमने बजट की पूरी जानकारी दी है, मौसम कैसा रहता है, कहाँ रुकें, ट्रैक स्टार्ट कब करें। एक तरफ से बात करी जाए तो इस वीडियो में फुल टूर गाइड वीडियो होने वाली है और देखने में आपको केदारनाथ धाम से जुड़ी सारी जानकारी इस वीडियो के बाद मिल जाएगी। तो इस वीडियो को स्किप मत करना और अंत तक देखना ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिस ना कर जाएं। पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं केदारनाथ धाम से, केदारनाथ धाम कैसे जाएं। बाबा केदारनाथ धाम यात्रा करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, देश के हर कोने से आते हैं। आप कभी भी कहीं भी आना होगा तो आपको सबसे पहले आना होगा हरिद्वार। हरिद्वार से सुबह 5 बजे सबसे पहली बस केदारनाथ के लिए चलती है और दिन में 4 से 5 बसें चलती हैं और दोपहर 2 बजे बाद कोई बस केदारनाथ में डायरेक्ट नहीं जाती है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप हरिद्वार पहले दिन आ जाएं और उसकी टिकट पहले से ले लें ताकि आपको सेम डे में टिकट लेने में कोई दिक्कत ना आए। 12 घंटे का समय आपको लगता है, 12 घंटे बाद आप पहुंच जाते हैं सोनप्रयाग। उसके बाद केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होती है। सोनप्रयाग गाँव है जो सबसे लास्ट पड़ाव पड़ता है, गौरीकुंड उससे पहले पड़ता है। सोनप्रयाग से अगर आप अपने प्राइवेट व्हीकल लेके आए हैं तो आपको वहीं पार्किंग में गाड़ी खड़ी करनी होगी। सोनप्रयाग में होटल्स, होम स्टे और रिजॉर्ट्स अलग अलग रेटों में आपको मिल जाएंगे। अगर मैं सीजन की बात करता हूँ तो 3,000 से लेकर 5,000 तक, और अगर नॉर्मल थोड़े ऑफ सीजन की बात करें तो आपको 2,500-3,000 में मिल जाएगा। वो आपकी बार्गेनिंग के ऊपर है कि आप कैसा कर सकते हैं। सोनप्रयाग में स्टे करने के बाद जब आप गौरीकुंड के लिए निकलते हैं तो आपको वहाँ के लिए टैक्सी करनी होती है जिसका किराया 30 से 40 प्रति पर्सन आता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप दिल्ली वाले रूट्स, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको गूगल में पे 2 रास्ते डाइवर्ट होते हैं, जो पहला एक कोटद्वार की ओर से जाएगा और दूसरा ऋषिकेश हाईवे की ओर से जाएगा। तो कोटद्वार वाला आपको गूगल मैप पे तो बहुत ही सिंपल लगता है, बट असल में उसमें बहुत घुमावदार रास्ता है जो आपको ड्राइविंग में दिक्कत देगा। तो अगर आप अपने प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि आप ऋषिकेश हाईवे से ही आएँ, वो आपके लिए सही पड़ेगा। बात करते हैं केदारनाथ धाम यात्रा को एक रजिस्ट्रेशन से लेकर। तो ये यात्रा करने के लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना होता है जो आपको गवर्नमेंट की साइट chardhamyatra.gov.in से आप घर में बैठे अपने बगल में साइबर कैफे से ऑनलाइन करा सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराया है तो आप गौरीकुंड के यहाँ पर भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रैकिंग की। ट्रैकिंग स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया तो आप गौरीकुंड पहुँचेंगे तो गौरीकुंड पर आपका रजिस्ट्रेशन चेक होता है और वहीं से आपकी ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। तो ट्रैकिंग स्टार्ट करने से पहले आपके पास ट्रैकिंग शूज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप चप्पलों में करने की सोच रहे हैं तो वो बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि आगे पथरीला रास्ता है, कहीं कहीं पर उतार चढ़ाव, कहीं पर फिसलन भरा रास्ता है, तो वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। अब बात ट्रैकिंग की आ गई है तो सबसे पहले हमारे मन में यही सवाल उठता है कि क्या क्या सामान लेकर जाएं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मौसम कभी भी बदल सकता है वहां पर, हमेशा कभी बरसात हो सकती है, तो आपके पास एक रेनकोट तो होना चाहिए। और वहां पर ठंडा हमेशा टेम्परेचर लो रहता है तो आपको वहां पर गर्म कपड़े तो अपने ले जाना चाहिए। आप कोई से भी सीजन में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपके पास अपने गर्म कपड़े होने चाहिए। अब बात करते हैं ट्रैक। अगर ट्रैक ना करना चाहें तो और क्या ऑप्शन है केदारनाथ धाम जाने का। तो अगर हम ट्रैक नहीं करना चाहते हैं तो हमारे पास अदर ऑप्शन जो बचते हैं वो है एक घोड़ा और एक हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर का किराया जो है वो है 4,500 से लेकर 5,000 रुपए और जो घोड़ों का किराया है वो है 2,500 रुपए ऊपर जाने का और 1,500 रुपए नीचे आने का। इसके लिए भी आपको गौरीकुंड पे आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, वहां से आपको एक पर्ची मिलेगी और आगे जो घोड़े वाला स्टैंड आता है गौरीकुंड से 1 किलोमीटर बाद, आप वहां उसे पर्ची देके आप कोई भी घोड़ा कर सकते हैं। बाकी पानी तो जगह जगह है, पानी की कोई दिक्कत नहीं है, हर 15 मिनट में आपको पानी का स्रोत, पानी का नल मिलता रहेगा। इसी प्रकार वॉशरूम की भी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर वॉशरूम महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए अलग अलग वॉशरूम हर 15-20 मिनट एक एक घंटे के रास्ते में बना रखे हैं। तो मोबाइल के सिग्नल आपको गौरीकुंड से थोड़ा आगे जाके मोबाइल के सिग्नल नहीं मिलेंगे और वो आपको वहाँ पर फ्री वाईफाई जोन है जहाँ पर वहाँ पर मिलेंगे, आप वाईफाई कॉलिंग के थ्रू अपने कॉलिंग कर सकते हैं। और जियो का नेटवर्क आपको यहाँ पर मिलता है केदारनाथ में, बाकी और सारे नेटवर्क आपको नहीं मिलते।
मिलते हैं। BSNL और जियो है अगर आपके पास तो आपके लिए वो बेटर है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमें केदारनाथ धाम जाने कब जा सकते हैं। केदारनाथ धाम हमारे दो सीजनों में खुलते हैं, एक खुलता है गर्मियों के सीजन में और दूसरा खुलता है जाड़ों के सीजन में। गर्मियों का सीजन जो स्टार्ट होता है हमारा वो होता है मई से लेके जून जुलाई तक, और जो जाड़ों का सीजन स्टार्ट होता है वो होता है सितंबर से लेके नवंबर तक, दीपावली लास्ट तक। तो इन दोनों सीजनों में आप अपने हिसाब से कभी भी जा सकते हैं। आपको ठंडों में जाना अच्छा लगता है तो आप ठंड में जाइए, आपको गर्मियों में जाना अच्छा लगता है तो आप गर्मियों में जाइए। ट्रैकिंग के लिए जो आपको बेस्ट लगता है आप उसके हिसाब से अपना कभी भी जा सकते हैं। और हाँ, इतना बता दूं कि गर्मियों के दिन में दिन लंबे होने के कारण आपको बहुत अच्छा टाइम मिल जाता है और टेम्परेचर गिरने के चांसेस भी बहुत कम रहते हैं, पर ठंडों में टेम्परेचर इतना लो हो जाता है कि आपको चलते चलते सांसें भी आपकी ठंडी होने लगती है। ट्रैक स्टार्ट कब करना है जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ऊपर जाने के लिए आपको 5 से 6 घंटे तो लगने ही है, तो इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप गौरीकुंड से सुबह सुबह निकल जाएं और 5-6 घंटे के अंदर शाम तक 4-5 बजे तक वहां पहुंच जाएं। उसके बाद 1 घंटे का रेस्ट करके 6-6:30 बजे से केदारनाथ धाम की शाम की आरती का लुत्फ उठाइए। केदारनाथ धाम में पहुंचकर आपको रूम्स, धर्मशाला, स्टे हाउस अलग अलग रेटों में मिल जाते हैं। धर्मशाला की बात करूं तो आपको 2500 से लेकर 3000 के बीच में एक कमरा मिल जाता है, और अगर मैं गवर्नमेंट स्टे हाउस की बात करूं तो आपको डोमेट्री बेड वहां 800 रुपये में मिल जाता है। बात करते हैं बजट की, तो बजट जौन सी गाड़ी से आप आएंगे वो आपको जो गाड़ी का तेल लगेगा वो आपको देखना। अगर आप बस से आते हैं तो आप 750 रुपये में केदारनाथ पहुंच जाएंगे। केदारनाथ में सोनप्रयाग में पहुंचने के बाद आपको होटल लेना होगा, जो आपको होटल 800 रुपये का पड़ जाएगा। उसके बाद आपको 30 से 40 रुपये की टैक्सी लेके आपको गौरीकुंड जाना होता है। गौरीकुंड में आपको 20 रुपये की डंडी मिल जाती है, उससे आपको ट्रैक स्टार्ट करना होता है। ट्रैक स्टार्ट करके जब आप शाम को केदारनाथ धाम पहुंचते हैं तो केदारनाथ धाम में आपको होटल्स के रेट मैंने बता दिए हैं। अब बात आती है ट्रैक करते वक्त रास्ते में खाना खाने की, तो खाना बहुत महंगा है, आपको यहाँ के हिसाब से बहुत महंगा लगेगा, पर वहाँ लोगों को जो परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं, जो उनको लोडिंग अनलोडिंग का सामान ले जाना पड़ता है, तो उसके हिसाब से वो रेट सही है। 120 से लेकर 140 के बीच में मैगी मिल जाएगी, और पानी की बोतल, कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी आपको वहाँ 70 रुपये की मिलेगी। अलग अलग रेट में, मतलब सबके रेट आपको 30 से 50% तक ज़्यादा मिलेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो। धन्यवाद।